स्मार्टफोन आने के बाद से ही टेलीकॉम कंपनियों में एक तरह से होड़ मच गई थी, लेकिन रिलायंस जियो ने इस होड़ को और बढ़ा दिया है। एयरटेल और रिलायंस जियो से ग्राहकों की होड़ को लेकर वोडाफोन और आइडिया ने रिटेलर्स का सब्सक्राइबर रिटेल इंसेंटिव को दोगुना कर दिया है। वोडाफोन और आइडिया की तरफ से हर नए सब्सक्राइबर के लिए रिटेल को मिलने वाले इंसेंटिव में 70 से 80 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो इस महीने की आखिरी में एक कंपनी के तौर पर काम करना शुरू कर देगी। इस कंपनी का नाम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड होगा। दोनों कंपनियों का यह कदम भारतीय एयरटेल और जियो को भी रिटेलर्स इंसेंटिव बढ़ाने के लिए मजबूर करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर की माने तो वोडाफोन और आइडिया ने रिटेलर्स को बताया है कि उन्हें हर नए उपभोक्ता के लिए 180 से 250 तक रुपए मिलेंगे। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने ग्राहकों को कौन सा रिचार्ज प्लान बेचा है। रिचार्ज की रकम जितनी ज्यादा होगी, इंसेंटिव भी उतना ही अधिक होगा। वोडाफोन और आइडिया की प्रतिद्वंदी कंपनी के बड़े अधिकारी के नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि वे अपने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर गंवा चुके हैं जो अब हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। उन सभी को मर्जर के बाद बनी कंपनी के साथ काम शुरू करने के लिए खुद को उनके मुताबिक ढालना पड़ेगा, इसीलिए इंसेंटिव बढ़ाने से उन्हें अहम सर्किल में रिटेल बनाए रखने में मदद मिलेगी।